आज सबसे पहले तो हम जो उदाहरण ले रहे हैं ये है लव मैरिज के ऊपर, और इसमें ये जो प्रश्न है ये एक लड़की ने प्रश्न पूछा था हुरारी नंबर 8080 के साथ, कि उसका किसी लड़के के साथ अफेयर है और वो उसके साथ ही शादी करना चाहती हैं, जबकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो शादी के लिए मान नहीं रहे। तो दोनों के पेरेंट्स जो थे वो शादी के विरुद्ध थे, तो इसलिए उसने ये प्रश्न किया। 20 मार्च 2008 को ये प्रश्न लिया गया, 7:50, हुरारी नंबर 8080 के साथ चंडीगढ़ में ये प्रश्न जो है लिया गया। अब सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को जो देखेंगे कि यहां पर लड़की ने ये प्रश्न किया है कि क्या उसका प्रेम विवाह होगा। तो सबसे पहले हम चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा अनटेनेंटेड है, शुक्र के नक्षत्र में है, शनि के उपनक्षत्र में है, चंद्रमा जो है शुक्र के नक्षत्र में है, और शनि के उपनक्षत्र में है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, चंद्रमा जो है दूसरे भाव में स्थित है, पहले का स्वामी है, शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र जो है सातवें भाव में स्थित है, 4 और 11 का स्वामी है, शनि के उपनक्षत्र में है, शनि जो है पहले भाव में स्थित है, 7-8 का स्वामी है। तो चंद्रमा यहाँ पर सेकंड हाउस जो है, क्योंकि 2, 7, 11 में से दूसरे भाव, सातवें भाव और 11वें भाव, और चौथा भाव जो है ये प्रेम का व्यय भाव है। तो एक प्रकार से विवाह के संबंध में जो प्रश्न है उसको पूरी तरह से दर्शा रहा है। और यदि हम देखें चंद्रमा जो है 7 और 11 का कार्येश है, 2 के साथ 2 का भी कार्येश है, और उपनक्षत्र शनि के द्वारा सातवें भाव को दर्शा रहा है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि सोर्स चंद्रमा और जो रिजल्ट है वो 7-11 शादी का, और उपनक्षत्र पर भी जो फाइनल डिसाइडर है सातवां भाव ये दर्शा रहा है। तो चंद्रमा एक तरह से प्रश्न की सार्थकता को दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चंद्रमा 2, 7, 11 का कार्येश है, तो ये जो क्वेरी है ये जेन्युइन है। अब उसके बाद बात आती है कि जो नियम है कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 7-11 का कार्येश हो, 2-7-11 का कार्येश हो, तब जो है प्रेम विवाह हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव जो है प्रेम का है। तो यहां पर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है चंद्र आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यदि हमने चंद्र के द्वारा ये देखा कि क्वेरी जेन्युइन है, तो अब जो फिफ्थ कस्प सब लॉर्ड जो है वो भी चंद्र ही है। तो अब सीधी सी बात है कि प्रॉमिस भी दिख रहा है।
तो यहां पर हम कह सकते हैं कि शादी प्रेम विवाह जो है वो होगा। अब यहां पर एक और बात देखने की आवश्यकता है कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी चंद्र है, और यदि चंद्र को देखें वो शनि के साथ है, ये क्या बन रहा है, पुनर्फू बन रहा है। इसके अलावा चंद्रमा जो है शनि के उपनक्षत्र में, ये भी जो है पुनर्फू बन रहा है। तो एक तो पुनर्फू ये बन रहा है, चंद्रमा अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड होकर चौथे भाव का पांचवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बना है, तो पांचवा भाव प्रेम का और चौथा भाव उसका व्यय। अब यहां पर जैसा कि चंद्र और शनि का संबंध बन रहा है तो हम देख ले कि वक्री कौन है। अब यदि देखें यहां पर शनि जो है वो वक्री था उस समय प्रश्न के समय, यानी कि शनि वक्री था 20 मार्च 2008 को प्रश्न जब पूछा गया, ये वक्री था। अब आप देख सकते हैं यहां पर 20 मार्च को शनि वक्री चल रहा था, तो ये मार्गी कब होगा ये भी देखने की आवश्यकता है। मार्च के बाद हम अप्रैल की तरफ गए, शनि जो है वक्री ही चल रहा था, अप्रैल के बाद मई की तरफ गए, तो यहां पर शनि जो है 4 मई को मार्गी हो रहा था। अब जिस प्रकार से शनि पांचवे का उपनक्षत्र चंद्रमा जो है वो पॉजिटिव है, प्रेम विवाह होगा, लेकिन चंद्रमा का शनि के साथ संबंध जो कि पुनर्फू दोष बना रहा है, और साथ ही यदि हम देखें प्रश्न के समय 20 मार्च 2008 को शुक्र की महादशा और शनि की अंतर्दशा चल रही थी, जबकि शनि जो था वक्री था, शनि वक्री था, तो इसलिए उस पीरियड तक को जो है हम क्रॉस करके उसके आगे देखना शुरू करेंगे। कि जब हमें प्रॉमिस मिल गया है तो दूसरे पांचवें सातवें ग्यारहवें भाव के कार्यशील ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा में प्रेम विवाह हो सकता है, ये हम मानकर चलेंगे। तो शुक्र जो है महादशा स्वामी 2, 5, 7, 11 में से यदि हम देखें तो कार्यश है, ठीक है। अंतरदशा शनि को भी देख लें तो 2, 5, 7 सातवें भाव का कार्यश है, तो 2, 5, 7, 11 का अंतरदशा स्वामी भी जो है कार्यश है, लेकिन शनि क्या था, वक्री था। तो अब हम मई के बाद देखते हैं, पहले तो शुक्र की महादशा और शनि की अंतरदशा ये किस पीरियड तक थी यदि हम देखें। शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा 22 फरवरी 2010 तक, और जबकि प्रश्न पूछा गया 20 मार्च 2008 को। शुक्र महादशा में शनि अंतरदशा में ये प्रत्यंतरदशाएं हैं, प्रश्न के समय शुक्र की प्रत्यंतरदशा चल रही थी, उसके बाद सूर्य की, शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु, तो ये प्रत्यंतरदशाएं चल रही थी। तो यहां पर यदि हम कार्येश के अनुसार देखें तो 2, 5, 7, 11 के लगभग मेरे ख्याल से सभी के सभी ग्रह कार्येश हैं, क्योंकि सातवें भाव के ही यदि हम देखें तो सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु, ठीक है, ये सभी तो हमें यही मिल गए। और केतु नहीं मिला है, लेकिन केतु की प्रत्यंतर दशा भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये सभी प्रत्यंतर दशा स्वामी जो है 2, 5, 7, 11 के कार्यश है। अब इसमें से
फिल्टर जो करना है वो या तो रूलिंग ग्रहों के सहायता से किया जा सकता है, या एक तरह से हम और भी देख सकते हैं कि यहां पर चंद्र और शनि का संबंध पुनर्फू बना रहा है, और शनि उस समय वक्री भी था, तो बाकी ग्रहों को भी देख लें, शुक्र की प्रत्यंतरा चल रही थी। तो प्रश्न जब पूछा गया तो सीधी सी बात है कि हम जैसा कि शनि वक्री था तो शुक्र की प्रत्यंतर दशा तो निकल ही गई। उसके बाद बात आती है सूर्य की प्रत्यंतरा की। सूर्य को यदि हम देखें शनि के नक्षत्र में, और शनि प्रश्न के समय वक्री था, सूर्य को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो चंद्र की प्रत्यंतर दशा, चंद्र वैसे ही शनि पुनर्फू ये जो है बना रहा था, तो चंद्र के बाद मंगल राहु गुरु ये क्या दर्शाते हैं? यदि हम देखें तो मंगल भी जो है वो शनि के उप नक्षत्र में है, और उसके बाद राहु की प्रत्यंतरा और गुरु की प्रत्यंतरा जो है, राहु की प्रत्यंतरा जो है 21 सितंबर 2009 तक, और गुरु की प्रत्यंतरा जो है 22 फरवरी 2010 तक। तो यहां पर इनको हम वीक मान सकते हैं कि ये क्योंकि वक्री ग्रह के नक्षत्र या उपनक्षत्र होने से एक तरह से ये वीक है। शुक्र को सबसे पहले महादशा के रूप में हमने देखा, ये पॉजिटिव है अपने यदि देखे तो तीनों लेवल पर। अंतरदशा स्वामी शनि जो है ये हम देखें तो ये भी पॉजिटिव है अपने उपनक्षत्र पर। उसके बाद जैसा कि हमने प्रत्यंतर दशाएं जो हैं जो जो वक्री ग्रह के नक्षत्र या उपनक्षत्र में उसको वीक मानते हुए हम आगे बढ़े, तो राहु की प्रत्यंतरा जो है 31 मार्च 2009 से 21 नौ 2009 तक। तो राहु को भी देख लेते हैं। राहु जो है 2-7 का कारेश है, 5 का भी कारेश है, 5वां भाव प्रेम का होता है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है, और राहु अपने उपनक्षत्र पर भी यदि देखे केतु के द्वारा 2-7 11 भावों को दर्शा रहा है। तो ये एक तरह से पॉजिटिव है क्योंकि यहां पर शनि भी संबंध नहीं बना रहा। राहु के बाद गुरु की प्रत्यंतर दशा है, तो गुरु को यदि हम देखें 7 11 और यहां भी 7, तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव है। तो यदि देखें तो पॉजिटिव सभी हैं, लेकिन वीक मानते हुए जिनका प्रभाव थोड़ा सा हम कम मान सकते हैं, उसके अलावा राहु का प्रभाव ज्यादा बढ़िया। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब अधिक ग्रहों की प्रत्यंतर दशा हो और लगभग सभी यदि पॉजिटिव दिख रहे हों अपने उपनक्षत्र पर, तो राहु या केतु को जो है मुख्य छाया ग्रह के रूप में उनको जो है प्रभावी माना जाता है, उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पर राहु वैसे ही यदि देखे तो 2 7 5 11 इनका कारिश है, और बकरी शनि के साथ उसका जो है संबंध नहीं है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि राहु की प्रत्यंतरा जो है ज्यादा उपयोगी है, उसके बाद गुरु की भी उपयोगी है। अब इनका जो प्रेम विवाह हुआ था वो अगस्त 2009 को हुआ था, अगस्त 2009 यानी कि शुक्र की महादशा, शनि की अंतरदशा और राहु की प्रत्यंतर दशा में अगस्त 2009 के आखिरी हफ्ते में हुआ था इनका प्रेम विवाह। तो इस प्रकार से प्रेम विवाह के संबंध में नियम को देखते हुए कि क्या प्रेम विवाह दिख रहा है, दिख रहा है तो पॉजिटिव है। उसके बाद 2 5 7 11 भावों के कारेश ग्रहों को देखा तो लगभग सभी ग्रह ही आ रहे थे। उसके अलावा क्योंकि पंचम का उपनक्षत्र चंद्र था और चंद्र शनि का संबंध वैसे ही पुनर्फू बनाता है जो कि ये आप देख सकते हैं साथ में है, तो इसलिए, और साथ ही शनि जो वक्री था, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ा गया। और जहां पर शनि मार्गी हुआ उसके बाद देखना शुरू किया, जो जो ग्रह प्रत्यंतर दशा के रूप में पॉजिटिव थे उनको हमने मार्क किया, और जो वक्री ग्रह शनि के नक्षत्र या उपनक्षत्र में थे उनको वीक माना, और जो नहीं थे उनको ज्यादा पॉजिटिव माना, जिसमें से राहु और गुरु पॉजिटिव दिख रहे थे।
क्योंकि राहु और गुरु दोनों ही शनि के ना तो नक्षत्र में है ना उपनक्षत्र में है। तो उनमें से यदि हमने देखा राहु 2, 5, 7, 11 का पॉजिटिव है, तो उसको हम एक तरह से पॉजिटिव मानते हुए डबल टिक करके हम कह सकते हैं कि इस पीरियड में प्रेम विवाह हो सकता है, यानी कि शुक्र की महादशा, शनि की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतरदशा। और उनका जो प्रेम विवाह हुआ था, क्योंकि उनके माता पिता जो है बाद में मान गए थे, तो अगस्त 2009 को उनका प्रेम विवाह हुआ था। किसी का कोई प्रश्न? आपका चार्ट लेकर मैं देखता हूँ, मैं एक मिनट में देखता हूँ, शायद वैसे होगी मेरे पास। भरतपुर ना, देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, फेमस हो जाओगे। देखिए जैसा कि 1 जुलाई 1969 और 9:33 भरतपुर है ना, डिटेल सही है ना? डिटेल्स आपकी विनय जी सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, भरतपुर भरतपुर राजस्थान वाला ही है। तो यहां पर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है और सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु है। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। प्रॉमिस जो है पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है, तो गुरु यहाँ पे देखिए 2, 5 का कारेश है, इवन 2, 5, 11 का कारेश है, सातवें के साथ भी कनेक्टेड है, छठा भाव भी है, आठवां भाव रुकावट का भी है। तो गुरु सूर्य के नक्षत्र में है और शनि के उपनक्षत्र में है, तो पंचम भाव का उपनक्षत्र ये दर्शा रहा है। तो सप्तम भाव को भी देख लेते हैं कि सप्तम भाव जो विवाह का मुख्य भाव होता है, क्या वो प्रेम विवाह को दर्शाता है? तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है राहु। राहु जो है सातवें भाव में स्थित है और राहु जो है आपके चार्ट में मीन राशि में है, जिसका स्वामी है गुरु। तो गुरु 2, 5, 8 बिल्कुल, यदि मैं शो कंसोलिडेट करूंगा तो 2, 5, 8 यहाँ पे देखिए 2, 5, 7, 8 आई गया है। राहु गुरु के नक्षत्र में है और जैसा कि गुरु के नक्षत्र में है 2, 5, 8 और उपनक्षत्र भी राहु अपने ही उपनक्षत्र में है 2, 5, 7, 8। तो बिल्कुल क्लियर कट जो है आपके चार्ट में पंचम भाव का उपनक्षत्र जो है विवाह प्रेम विवाह को दर्शा रहा है और सप्तम भाव का उपनक्षत्र भी जो है प्रेम विवाह को दर्शा रहा है, ठीक है। और आपने बोला कि किसकी महादशा में? राहु की। तो 2, 5, 7, 11 भावों के कारेश में राहु होगा, तो दूसरे का कारेश में राहु बहुत ही मजबूती से है, ए लेवल का है, ठीक है। पांचवें के कारेश में भी राहु जो है बिल्कुल है, सातवें के कारेश में भी आप देख सकते हैं राहु है, और 11वें के, तो ये तो कंबाइंड रूप से हम जो है कंबाइंड रूप से हम 2, 5, 7, 11 के कारेश ग्रहों को लेते हैं। डेट क्या थी जब शादी हुई? ऑफ फेब्रुअरी 1995। मिनट, 18 फेब्रुअरी 1995। जी, उस समय राहु शनि शुक्र शुक्र कारक भी था, उस समय चल रहा था राहु शनि शुक्र, और राहु शनि शुक्र राहु, तो राहु जो है 2, 5, 7 का कारेश, शनि जो है वो भी सातवें भाव का कारेश है, और 3, 9 भाव जो हैं ये एक तरह से कम्युनिकेशन को भी दर्शाते हैं,
हालांकि शनि का रेश है, तो अंतर्दशा स्वामी जो है सातवें भाव को दर्शा रहे हैं, तो यही सही पता चलता है। उसके अलावा यदि हम देखें तो शनि अपने नक्षत्र उप नक्षत्र पर 2, 7, 11 में से किसी भाव को नहीं दे रहा। शनि जो है टेनेंटेड है, तो टेनेंटेड है तो शनि का उप नक्षत्र शुक्र आगे सूर्य के नक्षत्र में 11वां भाव इच्छा पूर्ति को दर्शा रहा है। अब उसके बाद बात आती है कि प्रत्यंतर दशा स्वामी शुक्र, तो शुक्र जो है अपने नक्षत्र के द्वारा 11वें भाव को, उप नक्षत्र के द्वारा 2, 5, 7 तीनों भावों को, और साथ में 8वां भाव रुकावट वगैरह जो है उसको भी दर्शा रहा है। तो राहु शनि शुक्र राहु पूरी तरह से प्रेम विवाह के कारेश हो रहे हैं, और जैसा कि सिंह लगन का चार्ट है और राहु और शनि एक तरह से एंटी भी हैं सिंह लगन के। मैंने ये भी बताया था कि जब ज़्यादातर जो करक लगन या सिंह लगन के जो चार्ट होते हैं, जब उनको राहु आदि की दशा हो तो दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में जैसे आपने बताया कि जो दिक्कतें वगैरह आई हैं, तो जी, तो बिल्कुल वो दिक्कतें भी दिखाई दे रही हैं। आपके लगन में प्लूटो भी है, तो प्लूटो 29 डिग्री, नहीं, वो मैं वैसे देख रहा हूँ, तो प्लूटो तो 29 डिग्री में है और लगन तो 7 डिग्री, बहुत गैप है जी। तो बिल्कुल आप जी, चलिए कोई बात नहीं, मतलब ये है कि चलो प्रेम विवाह हो गया ये, हाँ ज्यादा भी हाँ नहीं, वो उसका भी रीजन दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। आप ये देख लीजिए ना, देखिए सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी राहु है, 2, 5, 7, 2, 5, 2, 5, 7 विरोधी भाव कहाँ पर है कोई विरोधी भाव? तो यहाँ पर सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी 2, 5, 7 का अच्छा कार्य है, 5वां भाव प्रेम का, दूसरा भाव एक तरह से हम कहते हैं यूनियन का, 7वां भाव जो है जीवन साथी का, तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी जो है बिल्कुल बढ़िया से दर्शा रहा है, ठीक है। तो पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी गुरु भी जो है वो भी तो देखें 2, 5, 11 का कारेश है, ठीक है। उप नक्षत्र पर भी 7वां भाव और 9वां भाव आ रहा है, ठीक है, साथ में 6ठा भाव है, लेकिन यहाँ पे 6ठा भाव उतना नहीं क्योंकि पॉजिटिवनेस ज्यादा है, तो 6ठा भाव चलो कोई ना कोई ये होता है कि कोई हेल्थ या कुछ ना कुछ कभी थोड़ी बहुत वो दिक्कत, अदरवाइज नहीं। हालांकि 6ठा भाव क्या है क्योंकि वो जॉब का भी है एक तरह से, तो लगभग पॉजिटिव भाव है और इसलिए आपका कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, और इसलिए आप जिस प्रकार से बिल्कुल जिस प्रकार से आप कह रहे हैं और बिल्कुल अच्छा ही है, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा ही रहा है, बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक प्रेगनेंसी नेटल चार्ट है, प्रेगनेंसी के ऊपर एग्जाम्पल है ये, और इनका जो जन्म है 8 फरवरी 1986, 3:15 दोपहर के फरीदाबाद का जन्म। तो इनका एक बार, जैसे हम कहते हैं कि एक बार प्रेगनेंसी होकर इनका मिसकैरेज हो गया था, और 25 अप्रैल 2009 को प्रश्न पूछा गया था, तो उस दिन से ही दशा जो है देखी जाएगी। तो यहां पर मैं 25 अप्रैल 2009 राहु शुक्र की दशा चल रही थी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पंचम भाव से जैसे कि हम पहली संतान को देखते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पंचम भाव क्या दर्शा रहा है। आप देख सकते हैं पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी जो है बुध, एक द्विस्वभावी ग्रह है,
पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध जो है मंगल के नक्षत्र में है और बुध के ही उपनक्षत्र में है, मैंने एक आपको बताया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचम भाव का बुध उपनक्षत्र स्वामी बुध जो है चौथे भाव का भी कार्य है, उपनक्षत्र पर भी चौथा भाव है। और मैंने बताया था कि मिस कैरेज यदि होता है तो वहां पर दो ग्रहों का संबंध देखा जा गया है लगभग ज्यादातर केसेस में, मंगल और केतु का संबंध। तो यहाँ पे मंगल का संबंध है पंचम भाव के उपनक्षत्र स्वामी जो है बुध, वो मंगल के नक्षत्र में है और चौथा भाव भी यहाँ पर दर्शा रहा है। तो सीधी सी बात है, पहली संतान के संबंध में या हम कह सकते हैं कि मिस कैरेज होने के संबंध में जो है स्थिति जो है दिख रही है। तो इनका एक तो संतान का व्यय और दूसरा जो है मंगल, और ये दोनों स्थितियों को समझते हुए गर्भपात की जो स्थिति है वो समझ में आती है। अब इन्होंने ये स्थिति बताई और ये पूछा कि आगे क्या गर्भधारण होगा, क्या मातृ सुख मिलेगा। अब इनका एक संतान तो एक तरह से खराब हुई क्योंकि वो इन्होंने मिस कैरेज के बारे में जैसे कि बताया। अब यहां पर हम देखेंगे कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र क्या दर्शाता है। सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है राहु, और यदि हम राहु को देखें तो 5, 6, 10, 11 केतु के नक्षत्र में, केतु भी जो है आप देख रहे हैं कई भावों को ले रहे हैं जिसमें पांचवा भी है, सातवां भी है, 8, 10, 12 उपनक्षत्र पर, 5, 8, 9 तो पांचवा भाव है तीनों लेवल पर। सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी पांचवा भाव मैंने आपको ये बोला था कि गर्भ को दर्शाता है, तो गर्भ को दर्शा रहा है। दूसरी संतान है तो सप्तम भाव का क्या कारेश है, तो यहां पर देखिए सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु केतु के नक्षत्र में जो कि सातवें भाव को दर्शा रहा है, और राहु यदि हम देखें टेनेंटेड है। राहु का उपनक्षत्र शनि आगे अपने ही नक्षत्र में 5, 8, 9 तो ठीक है, यहां पे हम कह सकते हैं कि 5 और 7 आठवां भाव, हाँ वो चलिए दिक्कत तो वो चल ही रही है, दिक्कत तो उनको है, रुकावट तो है, इसलिए तो उन्होंने दूसरी संतान के संबंध में जो है प्रश्न पूछा। यहां पे अब जैसे कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी चौथे भाव का उपनक्षत्र पर भी कारेश था, आठवें भाव का भी, पहले का भी, पहला भाव क्या है दूसरे का व्यय भाव, चौथा भाव क्या है पंचम का व्यय भाव, क्योंकि पहली संतान पंचम भाव है, आठवां भाव क्या है रुकावट का। तो पहली संतान के संबंध में तो मिसकैरेज का संबंध में आया, दूसरी संतान है सप्तम भाव का उपनक्षत्र, तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र राहु जो है वो सातवें का कारेश है, आप देख सकते हैं सातवें का कारेश है क्योंकि ग्रह नक्षत्र के अधीन होकर फल देता है, सातवें का कारेश है, पांचवें का कारेश है, तीनों लेवल पर पांचवा भाव दिख रहा है, तो कुछ तो पॉजिटिव दिख रहा है ना उपनक्षत्र पर। 4, 8, 12 आ रहे हैं तो वो पहली संतान का तो हो चुका, अब दूसरी संतान है, छठा तो नहीं दिख रहा आपको यहां पर। 6 राहु स्वयं जरूर छठे को दर्शा रहा है, लेकिन राहु टेनेंटेड भी है, राहु टेनेंटेड भी है, वो अपने नक्षत्र के जो भाव है उनको ज्यादा मजबूती से दर्शाएगा, टेनेंटेड होने से वो इन भावों का कमजोर कारेश भी है। उपनक्षत्र पर पांचवा भाव फिर भी गर्भ की स्थिति को खत्म होने नहीं दे रहा एक तरह से। तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो राहु, क्या सातवें भाव का कारेश है? जी हाँ है। तो यहां पर हमें एक तरह से दूसरी संतान के संबंध में विरोध भी दिख रहा है और थोड़ा पॉजिटिव भी हमें दिख रहा है, यानी कि आशा की किरण दिख रही है, लेकिन वो भी सावधानी के साथ। अब जैसा कि प्रश्न पूछा गया था 25 अप्रैल 2009 को, तो उस समय की हम दशाओं को देखेंगे, महादशा राहु की, राहु को हमने देख लिया कि कुछ विरोध के साथ पॉजिटिव है, आशा की किरण दिखाई दे रही है, तो महादशा राहु आशा की किरण जो है हम कह सकते हैं। अंतरदशा स्वामी शुक्र को यदि हम देखते हैं
तो शुक्र क्या स्थिति दिखा रहा है ये भी हम देखेंगे। तो यहां पर शुक्र को देखें, मंगल के नक्षत्र में, बुध के उप नक्षत्र में। अब ये क्योंकि दूसरी संतान के संबंध में जो है प्रश्न है, तो राहु शुक्र शुक्र जो है ये फिर भी कुछ रुकावट के साथ है, और उसके बाद राहु शुक्र शुक्र के बाद राहु शुक्र सूर्य को देखें, क्या सूर्य क्या दर्शा रहा है। सूर्य नक्षत्र लेवल 5-11, उप नक्षत्र लेवल पर भी 5-11, यानी कि यहाँ पे ग्रह को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव है। अब उसके बाद यदि हम देखें राहु शुक्र सूर्य तक गर्भ धारण की संभावना दिख रही है, लेकिन फिर भी उनको सावधानी जो है बरतने को कहा गया। 22 जून को उन्होंने राहु शुक्र सूर्य की दशा में गर्भ धारण की सूचना जो है वो दी। बाईस जून को 2009 को ही उन्होंने गर्भ धारण की सूचना दी। उसके बाद उनको यही बोला गया कि आपको पूरे प्रिकॉशन के साथ जो है अपने डॉक्टर्स के द्वारा या जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरा ध्यान रखना होगा। तो जैसा कि उन्होंने आगे ध्यान रखा भी, तो ये एक तरह से ये प्रश्न जो था कि क्या प्रेगनेंसी होगी, क्या दोबारा से मातृ सुख की संभावना बनती है, तो ऐसे में जो दशा पॉजिटिव दिखी उसके अनुसार बताया गया। और उसके बाद उन्होंने उनके वहाँ से यही सूचना मिली थी कि हाँ प्रेगनेंसी जो है हुई है। तो ये एक तरह से इस प्रकार से इस बाद में उसके बाद दोबारा कई बार क्या होता है कि कोई कुछ वर्षों के बाद जाके संपर्क करता है, या तो उसके बाद कि दोबारा भी गड़बड़ हो जाती या कुछ होता तो फिर शायद दोबारा पूछा जाता, लेकिन दोबारा ऐसा कोई कॉल नहीं आया या पूछा नहीं गया। तो इसका मतलब यही है कि कई बार हम भी कहते हैं कि अगर ऐसा कोई सूचना दोबारा से नहीं है आई है तो इसका मतलब हो सकता है कि ठीक हो।